नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मेरा नाम है जोशी आशीष और आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्योतिष की दुनिया का आपका अपना यूट्यूब चैनल धरुद्रा एस्ट्रोलॉजी। आज हम बात करेंगे गृह आरंभ के 2023 के सभी उत्तम मुहूर्तों के बारे में। हर एक व्यक्ति का स्वप्न होता है कि उसका एक ऐसा आलिशान घर हो जिसके अंदर वह अपने परिवार के साथ सुख शांति और समृद्धि के साथ निवास करें, उसे सभी प्रकार की उसकी जो इच्छाएं हैं वह परिपूर्ण हो और उस घर से उसे व्यक्ति को लाभ प्राप्त होता हो, चाहे एक छोटा कमरा ही क्यों ना हो, परंतु उसमें वह व्यक्ति शांति से पूरे परिवार के साथ निवास करे, ऐसी हर एक व्यक्ति की मनोकामना होती है। और उसी मनोकामना के लिए व्यक्ति है वह नया मकान बनवाना शुरू करता है, अपने जो जीवन की पूंजी है वह पाई पाई जोड़कर कोई प्लॉट खरीदता है या फिर कोई अपना प्लॉट है वहाँ पे नया मकान बनाना शुरू करता है। तो उसके संदर्भ में कब नींव रखनी चाहिए, क्योंकि यह जो नींव का मुहूर्त है वो बहुत ही शास्त्रों में महत्वपूर्ण बताया है, क्योंकि काफ़ी हम अपने अनुभव से बताएं, बहुत से लोगों के फ़ोन आते हैं कि पंडित जी हमने बिना देखे ही अच्छा कॉन्ट्रैक्टर वगैरह मिल गया था तो काम शुरू कर दिया था, अभी 3-4 साल हो चुके हैं, काम आगे बढ़ ही नहीं रहा है, खर्चे पे खर्चा हो रहा है, कुछ ना कुछ मुसीबतें आ रही है, मकान है वह शुरू तो हो गया पर ख़त्म ही नहीं हो रहा है और इतना खर्चा हो गया पता ही नहीं चला कि इतने लाख है वह कर्जे में डूब चुके हैं, या फिर हमने पंडित जी से मुहूर्त निकलवाया या अन्य किसी जगह से मुहूर्त देखा पर हमें पता नहीं था कि यह हमारे लिए उत्तम मुहूर्त है या नहीं है, तो बाद में इतना खामियाजा हमें भुगतना पड़ा है कि हम बात ही ना पूछिए। तो एक मुहूर्त का होना, सटीक मुहूर्त का होना है वो बहुत महत्वपूर्ण है नए भवन के निर्माण के लिए। तो इस वीडियो में हम वही जानेंगे कि 2023 में आपके लिए कौन सा सर्वोत्तम भूमि पूजन का मुहूर्त बन रहा है, नींव डालने का मुहूर्त बन रहा है। अगर आप अपने लिए मुहूर्त निकलवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में अपने शहर का नाम और आपका नाम लिखकर कमेंट करें, जल्द ही आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं 2023 के सभी सर्वोत्तम मुहूर्तों के बारे में। तो 2023 के जो सर्वोत्तम मुहूर्त है वह शुरू करने से पहले आपको बता दें कि इस वीडियो में आपको अलग अलग प्रकार के दो मुहूर्त देखने मिलेंगे। एक होंगे जिसमें अंडरलाइन नहीं की होगी, वो गृह आरंभ के उत्तम मुहूर्त है, और जिसमें अंडरलाइन की हुई है वह वृष चक्र की शुद्धि के साथ सर्वोत्तम मुहूर्त है। तो सबसे बढ़िया वाले है वो अंडरलाइन किए हुए मुहूर्त है, बिना अंडरलाइन के है वो उत्तम मुहूर्त है। मध्यम और सामान्य जो मुहूर्त है वह इस वीडियो में सम्मिलित नहीं किए हैं, क्योंकि अगर वो भी साथ में ले लेते तो वीडियो बहुत लंबा हो सकता था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 15 जनवरी 2023 रविवार, माघ कृष्ण अष्टमी तिथि चित्रा नक्षत्र के दिन तक मलमास रहने वाला है, तो मलमास में कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं होता है, जनवरी का एक ही शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। 18 जनवरी 2023 बुधवार, माघ कृष्ण एकादशी तिथि अनुराधा नक्षत्र। फरवरी के महीने के मुहूर्तों की बात करें तो 6 फरवरी 2023 सोमवार, फाल्गुन कृष्ण प्रतिपदा तिथि आश्लेषा नक्षत्र। 8 फरवरी 2023 बुधवार, फाल्गुन कृष्ण तृतीया तिथि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। 10 फरवरी 2023 शुक्रवार, फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी तिथि हस्त नक्षत्र। 13 फरवरी 2023 सोमवार, फाल्गुन कृष्ण सप्तमी तिथि विशाखा नक्षत्र। 16 फरवरी 2023 गुरुवार, फाल्गुन कृष्ण एकादशी तिथि मूल नक्षत्र। और 17 फरवरी 2023 शुक्रवार, फाल्गुन कृष्ण द्वादशी तिथि पूर्वा षाढ़ा नक्षत्र। यहाँ पर एक आवश्यक सूचना आपको प्रदान करें कि यह जो मुहूर्त है वह भारत के गणमान्य पंचांगों से संकलित मुहूर्त है, तो इसमें पूर्णिमांत महीने वाले मुहूर्त भी है और अमावस्यांत महीने वाले मुहूर्त भी है। हो सकता है कुछ मुहूर्त है वह आपके पंचांगों में न दिए हो। अगर आप अपने प्रदेश के हिसाब से, आपकी राशि कुंडली के हिसाब से कौन सा मुहूर्त बन रहा है वह जानना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सएप पर आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। 8 मार्च 2023 बुधवार, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा तिथि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। 9 मार्च 2023 गुरुवार, चैत्र कृष्ण द्वितीया तिथि हस्त नक्षत्र। और 13 मार्च 2023 सोमवार, चैत्र कृष्ण षष्ठी तिथि विशाखा नक्षत्र। अब अप्रैल के महीने में एक भी मुहूर्त नहीं है। मई के महीने के मुहूर्तों की बात करें तो 6 मई 2023 शनिवार, ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा तिथि विशाखा नक्षत्र। 10 मई 2023
बुधवार ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी तिथि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, 11 मई 2023 गुरुवार ज्येष्ठ कृष्ण षष्ठी तिथि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, 12 मई 2023 शुक्रवार ज्येष्ठ कृष्ण सप्तमी तिथि श्रवण नक्षत्र, 22 मई 2023 सोमवार ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया तिथि मृगशीर्ष नक्षत्र और 29 मई 2023 सोमवार ज्येष्ठ शुक्ल नवमी तिथि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। अब जून के महीने के मुहूर्तों की बात करें तो एक मुहूर्त प्राप्त हो रहा है 8 जून 2023 गुरुवार आषाढ़ कृष्ण पंचमी तिथि श्रवण नक्षत्र। सितंबर के महीने के मुहूर्तों की बात करें तो 1 सितंबर 2023 शुक्रवार भाद्रपद कृष्ण द्वितीया तिथि पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र, 2 सितंबर 2023 शनिवार भाद्रपद कृष्ण तृतीया तिथि उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र, 6 सितंबर 2023 बुधवार भाद्रपद कृष्ण सप्तमी तिथि कृतिका नक्षत्र, 7 सितंबर 2023 गुरुवार भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र। यहाँ पर प्रत्येक वार का भी अलग अलग फल होता है। गृह आरंभ किस वार में किया जाए, उसका क्या फल है, वह जानने के लिए इस वीडियो के ऊपर क्लिक करें। से अक्टूबर के महीने के मुहूर्तों की बात करें तो 26 अक्टूबर 2023 गुरुवार अश्विन शुक्ल द्वादशी तिथि पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र। नवंबर के महीने में 23 नवंबर 2023 गुरुवार कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र, 27 नवंबर 2023 सोमवार कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा तिथि कृतिका नक्षत्र और 29 नवंबर 2023 बुधवार मार्गशीर्ष कृष्ण द्वितीया तिथि मृगशीर्ष नक्षत्र। दिसंबर के महीने के मुहूर्तों की बात करें तो 2 दिसंबर 2023 शनिवार मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी तिथि पुष्य नक्षत्र, 14 दिसंबर 2023 गुरुवार मार्गशीर्ष शुक्ल द्वितीया तिथि मूल नक्षत्र और 15 दिसंबर 2023 शुक्रवार मार्गशीर्ष शुक्ल तृतीया तिथि पूर्वा षाढ़ा नक्षत्र। तो यह थे जनवरी से लेकर दिसंबर तक के 2023 के सभी गृह आरंभ के मुहूर्त। आशा करते हैं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर गृह आरंभ में बहुत अलग अलग रोचक जानकारी आप जानना चाहते हैं तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के लिंक है, वहाँ से आप गृह आरंभ के अलग अलग मुहूर्तों की बहुत रोचक जानकारियाँ हैं वह प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप हमसे मुहूर्त निकलवाना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सएप पर आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही शास्त्रीय जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा